अमेरिका और चीन के बीच चल रही कसरत से अब भारत को फायदा होते दिखने लगा है। कल तक जिन कंपनियों को चीन में बसाकर बीजिंग ने अर्थव्यवस्था के झंडे गाड़े थे, अब वे नीचे की ओर दरक रहे हैं। इसका सीधा श्रेय चीन अमेरिका के बीच चली आ रही व्यापारिक खींचातान को जाता है। मजे की बात यह है कि भारत यह मौका अपने हाथ से गंवाता नहीं दिख रहा है। दरअसल हाल ही में चीन की 5 कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी कर ली है। इसमें प्रमुख फोन निर्माता साउमी को स्पेयर्स की आपूर्ति करने वाली चीन की होलीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को अपनी 5 साझेदारी कंपनियों का आश्वस्त पत्र सौंपा है। यह 5 कंपनियां ग्रेटर नोएडा में 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इन कंपनियों के चीन से पलायन के पीछे वहां बिजनेस के अनुकूल माहौल होना नहीं है। चीन अमेरिका के बीच छिड़े ट्रेड वार के कारण अब चीन में मौजूद अधिकतर कंपनियां अपने लिए दूसरे बाजार की तलाश कर रही है। इसके लिए बाकायदा भारत के अधिकारियों के अनेक प्रतिनिधि मंडल भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए निरंतर चीनी शहरों की यात्राएं कर रहे हैं। इस वक्त मोदी सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सस्ता श्रम और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल के तहत उन्हें आमंत्रित कर रही है, जबकि चीन की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो चुकी है। अमेरिका के साथ उसकी कई दौर की वार्ता के बाद भी व्यापारिक मसला हल नहीं हो पाया है। इन दोनों के मतभेद का फायदा भारत को मिलने लगा है। इससे पहले चीन से ट्रांसफर हुई लगभग 35 छोटी बड़ी कंपनियां भारत में स्थानांतरित हो चुकी है। खास बात यह है कि चीन की सभी कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत ही अपने प्रोडक्ट तैयार करेगी, जो यहां से दूसरे देशों को निर्यात होगा, जिसका फायदा भी भारत को ही मिलने वाला है। मोदी सरकार की नीति भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ बढ़ रही है। इसके लिए सिंगल विंडो जैसी स्कीम बहुत हद तक कारगर साबित हुई है। अब नए निवेशकों को कंपनी स्थापित करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ता और केवल 15-30 दिन के भीतर ही सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है। इससे भारत में कंपनी बनाना पहले से बहुत सरल हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच अगर मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है तो इससे भारत का निर्यात भी कई गुना बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर भी चीन पर ही पड़ेगा, क्योंकि चीन से आ रहे सस्ते सामान की समस्या खत्म हो जाएगी। चीन के सामान पर प्रतिबंध लगने के बाद अमेरिका और भारत की कंपनियों को एक दूसरे के देश में बड़ा बाजार मिलेगा। संभवतः चीन में मौजूद कंपनियों को एहसास हो चुका है कि अब बीजिंग का सूरज अस्त हो रहा है, इसलिए 200 से ज्यादा कंपनियां चीन को झटका देकर भारत में आने को तैयार हो गई है। खास बात यह है कि जो चीन कल तक खुद को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पावर कहता था, वह आज भी भारत की कई कंपनियों के आसपास नहीं ठहरता है। सॉफ्टवेयर सेक्टर में भारत चीन से मीलों आगे है। TACS के मुकाबले चीन की कोई कंपनी नहीं है। फार्मा सेक्टर में चीनी कंपनियां भारत कंपनियों के आगे फिसक भी है। सन फार्मा का मार्केट कैप चीन की सबसे बड़ी कंपनी ग्वानझाउ फार्मा होल्डिंग से 3 गुना बड़ा है। इसके अलावा हीरो मोटर कार, वैक्सीन सिरप जैसी कंपनियां चीनी कंपनियों के सामने हाथी के समान है। चीन से पलायन कर रही कंपनियों को भारत अपने यहां आमंत्रित करके चीन की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। चीन की मजबूरी यह है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका द्वारा 25% से अधिक की कर वर्दी से निर्यात काफी महंगा हो गया है। वहां मौजूद कंपनियां अब अधिक घाटा सहने की स्थिति में नहीं है। वैसे जब चीन की कंपनियां ही अपना देश छोड़ रही है तो दूसरी कंपनियों का पलायन भी असंभावी है। खासतौर से अमेरिका के बाद जर्मनी की ज्यादा कंपनियां यहां से जाने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में भारत के प्रयास यही है कि इंडोनेशिया और वियतनाम से ज्यादा कंपनियों को वे अपने यहां स्थापित कर सके। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।